हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए जनवरी में 21 जनवरी को सीटेट एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके मद्देनज़र हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट करेगा आपके सीटेट एग्ज़ाम में। इस तरह के प्रश्न ही आपको सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें डालिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, क्या वांछित शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित एक उपयुक्त ढांचा कहलाता है? यह वांछित शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित उपयुक्त ढांचा कहलाता है। तो इन सारे ऑप्शनों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो ये राइट आंसर इज ए, यानी संगठन। वांछित शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित उपयुक्त ढांचा क्या है? संगठन है। ये सारे एग्जाम सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, स्टर्न के अनुसार खेल है। स्टर्न के अनुसार आपको इन सारे 4 ऑप्शन में से बताना है कि उसके अनुसार खेल है क्या है, यानी एक ऐच्छिक तथा आत्मा प्रेरित क्रिया। ये इज द राइट आंसर, ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया स्टर्न के अनुसार खेल यही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम क्या है? तो इन 4 प्रश्नों में से आप सही प्रश्न का आप प्रश्न इन 4 ऑप्शनों में से आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभ्यास का नियम। क्या हुआ? सीखने का मुख्य नियम क्या हुआ? अभ्यास का नियम। अगला जो हमारा प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध है। तो शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के आपस में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। तो ए इज द राइट आंसर, हमारा इस प्रश्न का आंसर ए हुआ। अगला जो हमारा प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। तो मनोवैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। अगला प्रश्न हुआ है, समायोजन की विधियाँ हैं। समायोजन की विधियाँ क्या है? इन 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रतिगमन। ये 4 प्रतिगमन हुआ, उदात्तीकरण हुआ, प्रक्षेपण हुआ। क्या हुआ? प्रतिगमन हुआ, उदात्तीकरण हुआ, प्रक्षेपण हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, जो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो संवेग है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। क्या होता है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से मूल प्रवृत्तियों की विशेषता नहीं है। इसमें से मूल प्रवृत्तियों की विशेषता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा, इसमें काम शक्ति की प्रबलता पाई जाती है, यही विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न है, विभागीय शैक्षिक पत्रिका नहीं है। कौन सा विभागीय शैक्षिक पत्रिका नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, धर्मगुरु। धर्मगुरु जो विभागीय शैक्षिक पत्रिका नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रशिक्षण वैधता ज्ञात करने की विधियाँ क्या है? प्रशिक्षण वैधता ज्ञात करने की जो विधियाँ, इन सारे ऑप्शनों में से आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो इसका सहयोग उपयुक्त सभी, यानी सहसंबंधी विधि, सरल सहयोग, सरल सहसंबंध द्विपांतिक, और बी में क्या है, सरल सहसंबंध बहुसंबंध, और सी में क्या है, टेट्रोकोरिक सहसंबंध। तो यानी इन 4 ऑप्शनों इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है हमारा, एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है, तो वह बालक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर सही होगा वह है पिछड़ा बालक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह बालक क्या होगा? पिछड़ा बालक है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, शैक्षिक पत्रिकाओं के पठन से अध्यापक, तो इसका इस प्रश्न का उत्तर आप इन चारों ऑप्शनों में से ढूंढकर हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो इसका सही आंसर होगा नंबर चारों से अवगत होता है। क्या होता है? नंबर चारों से अवगत होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, मानव विकास की अवस्थाएँ मानी जाती है, मानव विकास की अवस्थाएँ कितनी मानी जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार अवस्था। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमें वातावरण के अंतर्गत आता है, वातावरण के अंतर्गत क्या आता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, यानी ये सभी, यानी हवा आता है, प्रकाश आता है, जल आता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, समायोजन की प्रक्रिया क्या है? क्या है समायोजन की प्रक्रिया? क्या होता है? इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है गतिशील। क्या है? गतिशील इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, साज सज्जा के लिए आप किस छात्र का चयन करेंगे? तो इन प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है। तो इन प्रश्न का उत्तर है सौंदर्य बोध वाले छात्र, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न, किशोरावस्था की मुख्य प्रमुख विशेषता नहीं है, क्यों? यहाँ किशोरावस्था के कौन से जो प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसका ए इज द राइट आंसर है धार्मिक विकास। धार्मिक विकास इसका सही आंसर नहीं है। यानी अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जनजात प्रेरक नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस चारों में से देना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा का स्तर जो है प्रेरक, जनजात प्रेरक नहीं है। अगला जो है, इनमें से चरित आदतों का पूज्य होता है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर है सत्य है। क्या है? सत्य है, ऑप्शन ए इस तरह राइट आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न, रुचि के पहलू हैं, क्या है रुचि के पहलू हैं? बीस ये इस प्रश्न का ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी, यानी अनुभव भी होगा, जानना भी होगा, जिज्ञासा भी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो मॉनिटरिंग व्यवस्था, क्या है मॉनिटरिंग व्यवस्था? इसका सर्वाधिक उपयोग होता है, कहाँ प्रयोग उपयोग होगा? तो इक्कीस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुपक्षीय विद्यालय में। क्या होता है? बहुपक्षीय विद्यालय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला जो हम प्रश्न देखते हैं वह बीनेटेकिया योजना विधि क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत शिक्षण की। क्या होता है? व्यक्तिगत शिक्षण की। अगला जो हमारा प्रश्न, विकास एक प्रक्रिया है, विकास कैसा प्रक्रिया है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, निरंतर प्रक्रिया, चलने वाली एक प्रक्रिया। अगला जो हमारा प्रश्न है, चरित्र को निश्चित करने वाला कारक नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक वातावरण। क्या होगा? आर्थिक वातावरण। अगला प्रश्न है, सिलर तथा सस्पेंसर द्वारा प्रतिपादित खेल का सिद्धांत है, 25 का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। क्या है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, उत्प्रेरणा से जुड़े व्यवहार का लक्षण है, क्या है उत्प्रेरणा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सुकता। क्या होता है? उत्सुकता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, विद्यालय अनुशासन का आधार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, प्रेम और तथा सहानुभूति। कैसा होना चाहिए? प्रेम तथा सहानुभूति। अगला जो हमारा प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से संभव है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्यालय में बच्चों का 18, बच्चों के नामांकन में वृद्धि, शिक्षा के प्रसार एवं स्कूल में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक की देन है, क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए इसमें, यही शिक्षा मनोवैज्ञानिक की देन है। अगला जो हमारा प्रश्न है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न है, यौगिक आसनों से लाभ होता है, क्या होता है? जो हमारा 32 का आंसर क्या होगा? मानसिक तनाव एवं रोगों का निवारण होता है। क्या होता है? मानसिक तनाव एवं रोगों का निवारण, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, समायोजन दूषित होता है, क्या होता है? समायोजन दूषित होता है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी संघर्ष से, कुंठता से। अगला जो हमारा प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा? आजीविका सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, अच्छे चरित्र की विशेषता होती है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा?
स्थिरता, अच्छे चरित्र की क्या विशेषता होती है? अस्थिरता। अगला जो हमारा प्रश्न है, कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा हो, एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। क्या करेंगे? उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न, द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन क्या, किसने किया द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ऑप्शन 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्पीयरमैन। किसने? स्पीयरमैन है। अगले प्रश्न की देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, कौन सी खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है? कौन? तो 38 का कौन सा आंसर जाएगा? 38 का राइट आंसर क्या होगा? डी, व्याख्यान विधि। यानी कौन सी खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं, यानी व्याख्यान विधि पर। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नांकित मनोवैज्ञानिक के अध्ययन की विवरण पद्धति नहीं है। तो इन प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तो इन प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रयोगात्मक विधि। निम्नांकित मनोवैज्ञानिक के मनोविज्ञान के अध्ययन की विवरण पद्धति नहीं, यानी प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक पद्धति इसकी विधि नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 प्लस, कोई भी व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निर्णय एवं विश्लेषण द्वारा। क्या होता है? निर्णय एवं विश्लेषण द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है, अनुशासन का रूप नहीं है, कौन सा रूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है, प्राकृतिक अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन। अगला जो हमारा प्रश्न है, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का कौन सा दिया? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्टर्न ने दिया था। अगला जो हमारा प्रश्न है, जीवन शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का शरीर निर्मित होता है, किस चीज़ से निर्मित होता है? तो ऑप्शन नंबर या सी इज द राइट आंसर, बीज कोषों से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है? तो 44 का आंसर क्या होगा? मौलिक का नियम। क्या होगा? 44 का मौलिक का नियम, राइट आंसर डी होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन कौन थे? तो 45 का आंसर क्या होगा? फ्रायड। कौन थे? फ्रायड थे। अगला जो प्रश्न है हमारा, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, तो वह बालक क्या होगा? तो 46 का आंसर क्या? आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इस प्रतिभाशाली बालक होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, अच्छा पुस्तकालय वही है जहाँ पुस्तकों को अधिक से अधिक क्या हो? तो 47 का आंसर क्या होगा? उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए डी इज द राइट आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र क्या है? तो 48 का सही आंसर क्या होगा? शिक्षा मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र क्या हो? व्यापक है, व्यापक रूप में है। अगला जो हमारा प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्ति वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, किस में रुचि रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वयं अपने में। अगला जो प्रश्न, कक्षा नायक व्यवस्था सर्वाधिक उपयोगी होगा, कब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ऐसे विद्यालय जिसमें शिक्षकों की कमी हो, कक्षात्मक व्यवस्था सर्वाधिक उपयोगी, ऐसे विद्यालय जिनमें शिक्षकों की अधिकता हो, शिक्षकों के कक्षाओं में व्यवस्था सर्वाधिक उपयोगी होगा। जिसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा आप। अगला जो प्रश्न है, माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन 51 का कौन सा ऑप्शन होगा? बालक पिता माता पिता के स्नेह की आशा करते हैं, और यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 52 है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का अध्ययन शिक्षक के लिए उपयोगी, क्योंकि? तो 52 का आंसर क्या होगा? शिक्षा मनोवैज्ञानिक के लिए बालक, क्योंकि वह शिक्षा को असंतुष्टि प्रदान करता है। क्या करता है? वह शिक्षा को असंतुष्टि प्रदान करता है। तो क्या शिक्षा मनोवैज्ञानिक के लिए हमारे लिए क्या करना जरूरी है? क्योंकि वह शिक्षा को क्या करता है? असंतुष्टि प्रदान करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नांकित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सा है? तो 53 का आंसर क्या होगा? प्रशिक्षण विधि, राइट आंसर प्रशिक्षण, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक छात्र की बुद्धि लब्धि 70 है, तो वह बालक कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 54 का पिछड़ा हुआ। क्या होगा? पिछड़ा हुआ। अगले प्रश्न, विद्यालय में सभी छात्र नहीं खेल पाते, चाहे उनकी रुचि खेलों की तरफ हो, क्योंकि? प्रश्न 55 का आपको आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी विद्यालयों में खेल के मैदान के अभाव है। क्या है? सभी विद्यालयों में खेल के मैदान के अभाव है। अगला जो हमारा प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षक पालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा, क्या करें? तो इसका सही आंसर होगा क्या? कठोर दंड देकर करवाना। क्या करना? कठोर देकर करवाना। अगला जो हमारा प्रश्न है, विद्यालय में पुरस्कार के लाभ है, क्या है? विद्यालय में पुरस्कार के लाभ है, तो ऑप्शन नंबर ए डी इज द राइट आंसर, यानी सभी उत्साहवर्धन के लिए, मनोबल में वृद्धि के लिए और आनंद प्राप्ति के लिए, यानी विद्यालय में पुरस्कार के लाभ से इन तीनों फायदे होते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सी शैक्षिक प्रवृत्ति है?
तो 58 का राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी बर्तनी सुधार। क्या है, बर्तनी सुधार। अगला जो हमारा प्रश्न है, विद्यालय संगम योजना उपयोगी है, तो 59 का आंसर होगा, क्या आंसर होगा, इनमें से इन सभी वर्गों के लिए, इन सभी वर्गों के लिए। अगला जो प्रश्न है हमारा, कैली कैली द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था, तो 60 का क्या होगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए, बहुमानसिक युक्ता का सिद्धांत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है, तो शिक्षक का प्रमुख क्या है, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला जो हमारा प्रश्न है, शिक्षा के कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हो तो अत्यावश्यक है, क्या अत्यावश्यक है, तो 62 का क्या होगा, ए, दैनिक पाठ योजना, ए इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था में, किशोरावस्था में। अगला जो प्रश्न है, व्यक्तिगत को प्रभावित करने वाले तत्व कौन सा, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन सा है, ऑप्शन नंबर 64 का सी, यानी ए और बी, वंशानुक्रम वातावरण, ये सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों है, वंशानुक्रम और वातावरण, वातावरण। अगला जो प्रश्न है, संज्ञानवाद पद्धति का प्रेरणता कौन है, संज्ञावादी का प्रेरणता कौन है, ये जीन पियाजे और ब्रूनर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न, वह वार्तालाप जो उद्देश्यपूर्ण हो कहलाता है, क्या उसे बोलते हैं, तो 66 का क्या होगा, ऑप्शन आंसर बी, साक्षरता वृद्धि। अगला जो हमारा प्रश्न है, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है, 67 का क्या आंसर होगा, उत्सुकता, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, सृजनशील छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित अत्यधिक प्रभावशाली होगा, तो फिर 68 का राइट आंसर क्या होगा, सोदस बढ़त के अवसर पर परामर्श देना, क्या होता है, सोदस बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। अगला जो हमारा प्रश्न है, ऐसा अभिकरण का सिद्धांत जो संकल्प शक्ति पर बल देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, ऐच्छिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारा, तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न, यदि आपको इस तरह के प्रश्न से फायदा होता है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। वीडियो देखने का धन्यवाद।